हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए रेसिपी लेके आई हूँ रुई पोस्तो। तो आइए चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। रुई पोस्तो के लिए मैंने लिया है पचफोरन, जिसमें जीरा, कलौंजी, सौंफ, अजवाइन मिक्स रहता है, ग्रीन चिली, बारीक चॉप्ड किया हुआ ऑनियन, वन मीडियम साइज ऑनियन है, वन मीडियम साइज टोमेटो बारीक चॉप्ड किया हुआ, ये पॉपी सीड्स का पेस्ट लिया है, टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एंड ऑयल। इसमें दो स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा फिश फ्राई का, सेकेंड स्टेप होगा ग्रेवी का। फ्राई से पहले फिश को साफ़ किया था, उसके बाद उसमें हल्दी नमक देके उसको मैरिनेट होने के लिए 15 से 20 मिनट रख दिया था। अब इसको फ्राई करेंगे। पैन गरम हो गया है, अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को पैन के चारों तरफ ऐसे फैला देंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें एक एक करके फिश ऐड करेंगे। फिश को एकदम लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अब इसको एक साइड पलटा देंगे। एक साइड बहुत अच्छा गोल्डन कलर आया है। फिश फ्राई हो गया, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है इसको पैन को ऐसे तिरछा करके निकाल देंगे। अब इसका ग्रेवी रेडी करेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल देंगे, हाफ टी स्पून। पचफोरन ऐड करेंगे, ग्रीन चिली, सबको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऑनियन ऐड करेंगे। ऑनियन एंड ग्रीन चिल्ली फ्राई हो गया है। हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर वन टी स्पून। अब इसमें टोमेटो ऐड करेंगे, सबको मिला देंगे। सॉल्ट टू टेस्ट, इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे जिससे टोमेटो अच्छे से गल जाए। आइए देखते हैं टोमेटो का क्या हाल है। टोमेटो अच्छे से गल गया है। अब इसमें पॉपी सीड्स से पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें फिश ऐड करेंगे। अब इसको ढक देंगे, ग्रेवी को थोड़ा थिक करना है। Thank you.
देखते हैं ग्रेवी का क्या हाल है। ग्रेवी सफिशियंट थिक हो गया है। रुई पोस्तो बन के तैयार है। अब इसका प्लेटिंग करेंगे। रुई पोस्तो बन के रेडी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा, उससे भी ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बगल में सब्सक्राइब बटन दिया है उसे प्रेस कीजिएगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।